कपड़ा में आर्ट। कथन, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। ज्ञात है वृत्त पर व्यास द्वारा अंतरित कोण कोण एल एम एन है। सिद्ध करना है कि कोण एल एन एम बराबर 90 अंश। उपपत्ति, यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कोण एल ओ एम बराबर 180 अंश है, जो कि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश होता है, तो ये एक हमारे पास सरल रेखा पर बना कोण है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कोण एल ओ एम बराबर 2 गुणा कोण एल एन एम है। ये चीज हमने पिछले प्रमेय में किया था, जिसमें वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इस प्रमेय का हमने यहाँ प्रयोग किया है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे कोण एल ओ एम के स्थान पर 2 गुणा कोण एल एन एम लेंगे बराबर 180 अंश, या कोण एल एन एम बराबर 180 अंश बटा 2, और 180 अंश बटा 2 बराबर 90 अंश। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है।